दोस्तों, इस वीडियो में अपन यहाँ बात करेंगे जिन साथियों का बहुत ही कम पेमेंट आ रहा है। जैसे किसी साथी का 100 आया है, किसी का 1500 आया है और जिनका फॉर्म अभी अप्रूव हुआ है, तो आपका पेमेंट कितना आएगा, ठीक है ना। जैसे किन्हीं साथी का जो फॉर्म है इसी 12 नवंबर को अप्रूव हुआ है, तो आपका पेमेंट कितना आएगा, और जिनका भाई 30 सितंबर को अप्रूव हुआ था, तो उनका पेमेंट कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यह बात कर लेते हैं जिनका फॉर्म इसी माह की 12 नवंबर को अप्रूव किया गया था, तो आपका पेमेंट कितना आएगा। देखो दोस्तों, आपका फॉर्म जो 12 नवंबर को अप्रूव हुआ है, तो महीने के शेष दिन कितने बचते हैं भाई, लगभग 18 या 19 दिन शेष बचते हैं, ठीक है। तो आपका जो पेमेंट है, देखो मेल कैंडिडेट का एक दिन का बिल बनता है 100 रुपये, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट का बनता है 117 रुपये। तो आप लगभग 19 से गुणा कर लेना, ठीक है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं आपके लगभग 1900 या 1950 के आसपास आपका नवंबर माह का जो पेमेंट आएगा यानी बिल होगा वो पास होगा, ठीक है। और एक कब पास होगा दोस्तों, जब आपका ये नवंबर माह के बिल पास होंगे, तब आपका बिल जारी कर दिया जाएगा जिनका फॉर्म 12 नवंबर को अप्रूव हुआ था, और आपका पेमेंट है लगभग दिसंबर माह में आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और जिन साथियों का फॉर्म 30 सितंबर को अप्रूव हुआ था, उनका पेमेंट दोस्तों मात्र 100 रुपये आपका बनेगा, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं आपका 170 रुपये बनेगा, ठीक है। तो काफ़ी साथियों के इब की बार जिनके सितंबर में फॉर्म अप्रूव हुए थे, उनका 100-100 रुपये का बिल पास हुआ है और 100 रुपये का पेमेंट आया, ठीक है। तो आप ये न सोचें कि हमें तो भाई 3000 गवर्नमेंट भत्ता देती है, तो 100 रुपये कैसे आए, ठीक है ना। यानी जिस तारीख को आपका फॉर्म अप्रूव होता है, उसी तारीख से आपका भत्ता शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है 30 सितंबर से अप्रूव हुआ था, तो 30 सितंबर से आपका भत्ता शुरू हुआ, ठीक है ना। तो महीने में बचा कितना दिन, एक दिन शेष बचा, तो उसके 100 रुपये बन गए, ठीक है। और जो आपके 2900 रुपये हैं, वो आपकी या तो 23वीं किस्त में या 24वीं किस्त में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, मुझे विश्वास है। और फिर भी नहीं होते हैं तो एक बार मेरे से कॉल कर लेना, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी साथी परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।